दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 10 सबसे डरावनी हॉरर मिस्ट्री मूवीज को जो कि आपको डराने में पूरी तरीके से कामयाब होगी और हर बार की तरह इस लिस्ट की भी सभी मूवीज एक से बढ़कर एक और हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो इंसीडियस जो कि इस साल 2010 में एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की जो कि एक नए घर में रहने के लिए आते हैं और उस घर में इनके साथ अजीब अजीब हॉरिफाई घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है और आगे इस फैमिली के साथ उस घर में क्या कुछ होता है ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी के टोटल 4 पार्ट है और चारों के 4 पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और फर्स्ट पार्ट को छोड़कर आप 3 पार्ट को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मूवी को रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है स्पोर्ट्स गर्ल से जिसे अचानक से ही कुछ अजीब गरीब आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है और असल में इन आवाजों के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है इसी को रिवील करने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं मूवी ओरिजिनल पर और अमेज़न प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6। यह मूवी आई थी साल 2013 में। यह हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे आईने की जिसमें भूत प्रेत आत्मा बसती है और यह आईना कई शताब्दी से लोगों के बीच है और लोगों को मार रहा है पर इस आईने की सच्चाई किसी को भी पता नहीं होती और दो भाई बहन डिसाइड करते हैं वो इस आईने की सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे और आगे दोनों आईने की सच्चाई लोगों के सामने ला पाते हैं या नहीं ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। द टैंक मूवी बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे फैमिली से जो कि अपने नए घर में शिफ्ट होती है लेकिन वहाँ पर शिफ्ट होते ही उनके साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे होना शुरू हो जाते हैं और ये सभी हादसे उनके घर के टैंक में ही हो रहे होते हैं और उनका सामना एक अजीबोगरीब क्रिएचर से भी होता है और लास्ट तक वो सभी उस क्रिएचर के हादसे किस तरह अपने आप को सर्वाइव करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी फिलहाल थिएटर पर रन कर रही है लेकिन बहुत जल्द इसे रिलीज कर दी जाएगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। ये मूवी आई थी साल 2012 में। ये हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक ट्रू क्राइम राइटर की जिसने कई सालों से एक भी ढंग की बुक नहीं लिखी पर ये डिसाइड करता है ये इस बार एक अच्छी बुक लिखेगा और इसी उम्मीद के साथ ही एक ऐसे घर में जाता है जहाँ पर एक फैमिली के सभी मेंबर्स की कुछ मिस्टीरियस वजहों से हत्या हो गई थी और ये अपनी बुक लिखने के लिए उस फैमिली के मर्डर के पीछे की सच्चाई जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और आगे इसके साथ उस घर में क्या कुछ होता है ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। काफी कमाल की हॉरर मूवी है, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और इस मूवी को भी आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। मूवी को रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। डेविल इन द लेक मूवी बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक डेड बॉडी से जो कि एक लेक में पाई जाती है लेकिन इसी लेक में पहले भी बहुत सारी डेड बॉडीज पाई जाती है लेकिन असल में इस लेक के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है इसी को रिवील करने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं विकी और अमेज़न प्राइम वीडियो पर और इस IMDb रेटिंग देती है 10 में 4.9। एनाबेल ये मूवी आई थी साल 2014 में। ये हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कपल की जो कि अपने घर में आराम से रह रहे होते हैं लेकिन एक रात इनके घर में इनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं जो कि काले जादू पर विश्वास रखते हैं। वो लोग इनको मारने के लिए इनकी बलि देने के लिए इनके घर में आते हैं पर ये लोग किसी तरह उनसे बच जाते हैं और वो लोग इनके घर में एक डोल छोड़ जाते हैं और ये लोग उस डोल को अपने पास रखते हैं और एक नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जब से ये नए घर में आए इनके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगती है क्योंकि ये उस डोल को अपने साथ लेकर आए हैं और आगे इन लोगों के साथ क्या कुछ होता है ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इन्फिनिटी पूल मूवी बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ टूरिस्ट से जो कि एक आइलैंड में घूमने जाते हैं लेकिन वहां पर जाते ही उनका सामना उनके ही क्लोन से होता है और असल में इन सारी चीजों के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। यह मूवी आई थी साल 2017 में। ये हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक छोटे से टाउन की जहाँ पर हर 27 साल में बच्चे गायब होते हैं। किसी को भी नहीं पता होता बच्चों को कौन गायब कर रहा है लेकिन कुछ बच्चों को पता चल जाता है एक मॉन्स्टर जोकर है जो कि बच्चों को गायब कर रहा है और ये बच्चे डिसाइड करते हैं ये किसी भी हाल में उस जोकर को खत्म करेंगे और आगे बच्चे किस तरह उस मॉन्स्टर को मारते हैं ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी के अब तक 2 पार्ट आ चुके हैं और दोनों पार्ट हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस मूवी बेस्ड है हॉरर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी
स्टोरी की अगर बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे पेशेंट से जो कि मरने से पहले हंसते हुए मरते हैं, लेकिन इस हंसी के पीछे और इसके मरने के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है इसी को रिवील करने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 5 ब्लड। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है जैस से, जिसके बच्चे को एक कुत्ता काट खाता है, लेकिन कुत्ते के काटने के बाद वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है और वो सिर्फ खून ही पीकर जिंदा रहना चाहता है। इसी बीच उसकी माँ उसके लिए खून की व्यवस्था करने के लिए क्या क्या हद पार करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.4। ड्रैग मी टू हेल। यह मूवी आई थी साल 2009 में। ये एक हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है क्रिस्टीन नाम की एक बैंक लोन ऑफिसर की, जिसको एक दिन एक बूढ़ी औरत शराब दे देती है और शराब देने के बाद क्रिस्टीन के साथ क्या कुछ होता है और बूढ़ी औरत ने क्रिस्टीन को शराब ही क्यों दिया, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। और एक बहुत ही कमाल की हॉरर मूवी है। डेफिनेटली मूवी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में IMAX प्लेयर पर देख सकते हो। मूवी को रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। डेट मूवी बेस्ड है हॉरर मिस्ट्री एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ चोरों से, जो कि चोरी करके पुलिस से बचने के लिए वो एक मौज में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर पता चलता है कि वो मौज उनके लिए मौत का कुआं बन चुकी है और लास्ट तक वो सभी चोर उस मौज से किस तरह बाहर निकलते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं अमेज़न पर वीडियो पर। IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। यह मूवी आई थी साल 2013 में। ये एक हॉरर फैंटेसी थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है दो छोटे छोटे बच्चों की, जो कि एक कार एक्सीडेंट में एक जंगल में कहीं गुम हो जाते हैं और इनके पेरेंट्स की भी डेथ हो जाती है और 5 साल बाद इनका अंकल इनको ढूंढ लेता है, लेकिन 5 सालों तक इतने खतरनाक जंगल में इनको जिंदा किसी ने रखा, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। द पोप एक्सोसिस्ट। मूवी बेस्ड है हॉरर थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की हम बात करें तो दोस्तों आपने ऐसी मूवीज तो बहुत सारी देखी होंगी जहां पर किसी को भूत पकड़ता है और जाकर उस भूत को छुड़ा देता है या फिर मार देता है, लेकिन इस मूवी की कहानी थोड़ी अनोखी बनाई गई है क्योंकि इस मूवी में जो भूत है वो एक्चुअल में पॉप को ही अपना निशाना बनाना चाहता है, लेकिन असल में इन सभी चीजों के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। मूवी फिलहाल थिएटर पर रन कर रही है, लेकिन इसे बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी जाएगी और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। लाइट्स आउट। यह मूवी आई थी साल 2016 में। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है रेबिका नाम की एक लड़की की, जिसकी माँ हर रोज एक मिस्टीरियस चीज से बात करती है और रेबिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस चीज का पता लगाने लगती है और उसी बीच इनका सामना एक बहुत ही खतरनाक सुपरनेचुरल फोर्स से हो जाता है, जो कि सिर्फ अंधेरे में लोगों को नुकसान पहुंचाती है, लोगों को मारती है। और आगे रेबिका और इसका बॉयफ्रेंड किस तरह उस सुपरनेचुरल फोर्स से अपनी जान बचाते हैं ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। स्क्रीम पार्ट 6। मूवी बेस्ड है हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है सैम से, जो कि अपने अतीत से भाग रही होती है क्योंकि उसका अतीत बहुत ही ज्यादा बुरा रहता है, लेकिन कहते हैं ना कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ती है, ठीक वैसे ही उसका अतीत उसके वर्तमान को फिर से खराब करने के लिए पहुंच जाता है और लास्ट तक सैम अपने इस अतीत से किस तरह मुकाबला करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर। IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। इविल डेड। यह मूवी आई थी साल 2013 में। ये एक हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है 5 दोस्तों की, जो कि एक सुनसान फॉरेस्ट के केबिन में जाते हैं, जहाँ पर इनको हजारों साल पुरानी एक शैतानी बुक मिलती है जिसमें साफ साफ लिखा होता है इस बुक के मंत्र को पढ़ने से हेल डोर्स खुल जाएगी और सोई हुई आत्माएं जाग जाएगी। फिर भी एक बंदे को चुलंग होती है और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और मंत्र पढ़ने के बाद इन सभी लोगों के साथ क्या कुछ होता है ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इविल डेड राइज। मूवी बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इविल डेड की असल में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक ऐसे ही इविल डेड आपको एक नए अनोखे कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाने वाली है इस नए पार्ट में। ये मूवी स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि हॉरर एक्शन मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मूवी फिलहाल थिएटर पर रन कर रही है, लेकिन इसे बहुत जल्द अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी जाएगी और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। कॉन्जुरिंग।
यह मूवी आई थी साल 2013 में। यह हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक फैमिली की, जो कि एक पुराना फार्म हाउस लेते हैं और उस फार्म हाउस में हंसी खुशी रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन इनके घर में एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शक्तिशाली आत्मा आ जाती है, जिसके बाद इनकी हेल्प करने के लिए दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं, जिनका काम होता है भूत प्रेत को पकड़ना, उनको भगाना। और ये इन्वेस्टिगेटर्स इनकी हेल्प कर पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और तीनों पार्ट हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 7.3/10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।